विश्व कुष्ठ रोग दिवस पर देश से लेकर विदेशों में जागरूक रैली निकाली जाती है और लोगों को इस खतरनाक बीमारी से जागरूक किया जाता है। भारत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आज कुष्ठ रोग दिवस पर जागरूक रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान डीपीएमआई के छात्र छात्राओं ने घर घर जाकर लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक किया। डीपीएमआई के स्टूडेंट्स ने लोगों को कुष्ठ रोग के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बताया। कुष्ठ रोग एक्चुअली माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। ये बहुत बुरा रोग है। इसके लिए रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक बैकवर्ड साइड में अगर हम चले तो लोगों को पता नहीं है कि कुष्ठ रोग आखिर होता क्या है। अगर पता भी है तो वो इसे गलत तरह से ट्रीट करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट से बचते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट से बचना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि भारत सरकार जो है वो जागरूकता अभियान चला रही है इसके बारे में, और इसके लिए हमें भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। डीपीएमआई की मेरठ, पठानकोट, मुरादाबाद, कोलकाता, काशीपुर, देवरिया, आयानगर, गया शाखाओं में भी कुष्ठ रोग दिवस पर रैली निकाली गई। इस दौरान डीपीएमआई के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस खतरनाक बीमारी के बारे में देश के लोगों को जागरूक किया और उसे जड़ से खत्म करने का संकल्प भी लिया।